चलिए आगे बढ़ते हैं। बता दें छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ, जिसमें रायपुर लोकसभा सीट पर भी वोटिंग हुई। वहीं रायपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस बार जनता सिर्फ मोदी की गारंटी पर ही मुहर लगाएगी और भाजपा इस बार 400 से ज्यादा सीटें जीत रही है। देखिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। का महापर्व था और बम्पर वोटिंग हुआ है, क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, जनता का संदेश है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए और जन जन की सेवा करने के लिए, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता ने बम्पर वोटिंग की है। और 7 सीटों पर आज चुनाव था, 4 सीटों पर पहले हो चुका है, 11 की 11 सीटें बीजेपी जीत कर आएगी। सर, परिणाम तो अभी नहीं आया है, लेकिन परिणाम सकारात्मक अगर है और आप सांसद बनते, धरसुआ के लिए क्या करेंगे? जो भी धरसुआ की समस्याएं होंगी उसका समाधान करेंगे, पहले भी किया है, आज भी करेंगे। अगर देखा जाए तो धरसुआ विधानसभा क्षेत्र प्रदूषित क्षेत्र है और औद्योगिक नगर से घिरा हुआ है, और एक देखा जाए तो लोग जिल्लत की जिंदगी भी जी रहे हैं, इस पर कुछ करेंगे? अभी हमने पहले ही आज से 10 साल पहले की अब धरसुआ क्षेत्र में कोई नया उद्योग नहीं लगेगा उसको हमने रोक लगाया है। यहाँ का पर्यावरण अच्छा हो, यहाँ पर वृक्षारोपण हो, लोगों का जीवन स्तर सुधरे, इसके लिए निश्चित रूप से हम काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार 400 पार की जो बात कर रहे थे और आप लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, देश की क्या स्थिति बन रही है? अच्छी स्थिति बन रही है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय है और 400 पार भी होना तय है। सर, मोदी जी के चेहरा चला सर? निश्चित रूप से, मोदी जी के काम, मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का नाम, मोदी जी का कर्म, मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी का कृतित्व पूरा चला है और पूरे देश की जनता, पूरे देश ही नहीं पूरा विश्व अब मोदी जी को नेता मानने लगा है। आज नया खबर आया था कि भारतीय जनता पार्टी तो काफी मेहनत की है, हमारे धरसो क्षेत्र के विधायक भी तबियत खराब हो गया उसका और बिगड़े तबियत के बावजूद उन्होंने वोटिंग किए हैं, इस बारे में कुछ कहेंगे सर? मेरी शुभकामना है कि उनकी तबियत जल्दी ठीक हो जाए।